हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नंबर नाइन दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स एंड डिस्नेसिस की एन सी तो इस वीडियो में हम इनको इजी तरीके से करना सीखेंगे मतलब हाइट्स एंड डिसनेसिस की क्वेश्चन को पढ़कर इसकी फ़िगर बनाना और, और फिर उसको सॉल्व करना और ये कैसे ईजी तरीके से हो सकता है आपको मैंने इस वीडियो में समझाया है तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद एग्जाम्पल नंबर वन ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड तो मान लिया कि ये हमारा क्या है ग्राउंड है ठीक है और इसके ऊपर जो है वो टावर एक खड़ा है ठीक है तो लेटर्स से मान लेते हैं कि ए बी जो है दिस इज माई टावर फ्राम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ फिफ्टीन मीटर अवे फ्राम द फुट ऑफ द टावर तो ये रहा हमारा फ़ुट ऑफ़ द टावर यहाँ से कहता कुछ दूरी पर यानि कि फिफ्टीन मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है लेटस से वो सी पॉइंट है तो ये सी पॉइंट जो है वो हमारे फुट ऑफ़ द टावर से यानी कि ए पॉइंट से कितना दूरी पे है फिफ्टीन मीटर दूरी पर है एंगल ऑफ एलिशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी सिक्स ऑफ द टावर बी पॉइंट मेरा टॉप ऑफ द टावर है यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ठीक है वो कितना बनेगा यहाँ पर सिक्सटी डिग्री बन रहा है हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है यानी कि ए बी की हाइट को फाइंड आउट करना है ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया डायग्राम भी हमने बना ली है अब हम इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि हाइट जो है वो टावर की वो क्या है एच मीटर है ठीक है और ये हमारा राइट एंगल ट्रा है ठीक है एज हमें पता है कि जो ए बी टावर है दिस इज स्ट्रेट खड़ा है तो ये जो एंगल ए है वो कितना है 90 डिग्री है ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है एलिवेशन वाला एंगल 60 डिग्री आप क्या लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे ट्राएंगल ए बी सी में हमें क्या पता है बेस पता है परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और एक एंगल पता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है हमें अच्छे से पता है पंडित भत प्रसाद हरी हरि बोल के अकॉर्डिंगली जो टैन है वो क्या बताता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन बताता है सो so, यहाँ पर हम लिखेंगे tan सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी ए बी क्या है h है और ए सी क्या है 15 है tan 60 की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अच्छे से पता है दैट इज़ रूट थ्री ठीक है इसको इधर ले जाएंगे सो हाइट ऑफ द टावर इज़ 15 अंडर रूट थ्री मीटर आप कई क्वेश्चंस में आपको रूट थ्री की वैल्यू गिवन होती है वो पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं अगर नहीं गिवन है तो आप यहीं पर आप इस क्वेश्चन को मतलब आंसर को लीव कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर टू पे एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट फाइव मीटर कहता एक इलेक्ट्रिशियन है उसको एक पोल है जो जिसकी हाइट क्या है पूरी फाइव मीटर है यानी कि ये जो ए डी है इसकी हाइट कितनी है फाइव मीटर है राइट right? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए डी यहाँ पर हमें फाइव मीटर गिवन है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल तो टॉप ऑफ द पोल ये रहा यहाँ से कहता वन पॉइंट थ्री मीटर नीचे जाना है यानी कि पॉइंट पी तक जाना है जहाँ पर उसको रिपेयरिंग करनी है ठीक है यहाँ पर हो गया अब अगर ए बी जो है यहाँ पर 1.3 मीटर है तो आप निकाल सकते हैं कि बी डी कितना आएगा 5 में से 1.3 गए तो कितने रह गए 3.7 मीटर यानी कि ये जो बी डी है दिस इज माई 3.7 मीटर जब भी आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन भी हो तो उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी होता है ठीक है सो वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर तो हमें निकालना है ये जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो हमें निकालनी है जिसपे ये इलेक्ट्रीशियन चढ़ रहा है तो लेट मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो L है ठीक है तो लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो L है वो हमें फाइंड आउट करनी है दैट शी शुड यूज विथ वैन एनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री तो कौन से एंगल पे इनक्लाइंट है डिग्री एंगल पे इनक्लाइंट है टू द हॉरिजोंटल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका ख़त्म हो गया मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया उसके बाद वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है तो पहले हम लेंथ ऑफ लेडर फाइंड आउट कर लेते हैं अब हम अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल बी डी सी में ये जो डी एंगल है दिस इज़ 90 डिग्री क्योंकि पोल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है ठीक है अब यहाँ पर एंगल क्या है सिक्सटी डिग्री है और यहाँ पर हमारे पास हाईपर ट्यूनस हमें फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर है हाइपर ट्यूनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन कौन बताता है अगर हम इसके हिसाब से देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है तो साइन बताता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइंस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू पर हमारा परपेंडिकुलर दैट इज बी डी डिवाइडेड बाई बी सी साइंस सिक्सटी की वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू होती है BD की वैल्यू 3.7 होती है और भी जो BC है वो क्या है हमारा L है ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L अंडर रूट थ्री इज़ इक्वल टू 3.7 पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई टू एल इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 7.4 और नीचे आ जाएगा रूट थ्री तो 7.4 पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई वन क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है इसकी वैल्यू तो पुट करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 4.277 मीटर और इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.28 मीटर तो ये आएगी लेंथ ऑफ द लैडर 4.28 मीटर ओके अब उसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल तो फुट ऑफ द पोल पहले कहाँ हैं ये फुट ऑफ द पोल है डी पॉइंट शुड शीट प्लेस द फुट ऑफ़ द लेडर तो फुट ऑफ़ द लेडर ये है यानी कि हमें यहाँ पर डी सी को फाइंड आउट करना है ठीक है तो लेट मान लेते हैं कि जो डी सी या सी डी है वो हमारा क्या है एक्स मीटर है अब हम इस ट्राइंगल को दोबारा से यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी अब हमें क्या पता है परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस जो है वो फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर बेस के बीच का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है टैन बताता है सो so, हम लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पर पेंडिकुलर यानी कि 3.7 और डिवाइडेड बाय हमारा एक्स हमारा बेस टैन 60 की वैल्यू हमें पता है रूट थ्री होती है 3.7 पॉइंट सेवन डिवाइडड बाई एक्स इसको इंटरचेंज कर लेते हैं सो so x आ गया आपका 3.7 पॉइंट सेवन डिवाइड बाई रूट थ्री फिर से हम क्या करेंगे रूट थ्री की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73 और ये हमारा आ जाएगा 2.14 मीटर सो so, x जो है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा यानी कि सी डी जो है दैट इज टू पॉइंट वन फोर मीटर तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को देख कर देखना है कि कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए और उसको बारी बारी से सॉल्व करना है सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर थ्री पे एन ऑब्जर्वर वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जर्वर है वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल ठीक है ये ऑब्जर्वर है लेटस से मान लेते हैं कि ए बी ऑब्जर्वर है ओके विच इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी तो मान ली यहाँ पर कोई चिमनी है ठीक है ये चिमनी है और यहाँ से ये 28.5 मीटर दूर खड़ा है ये ऑब्जर्वर ठीक है यानी कि ये जो सी डी है मान ली ये चिमनी है ए बी हमारा ऑब्जर्वर है जो कि चिमनी से इतना दूर खड़ा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी तो पहले टॉप ऑफ द चिमनी मार्क कर लीजिए टॉप ऑफ द चिमनी है डी पॉइंट फ्रॉम हर आईज आईज कहाँ होंगी ऑब्वियसली ए पॉइंट पे होंगी तो यहाँ से लेकर यहाँ टू द टॉप ऑफ द चिमनी तक जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है फोर्टी फाइव डिग्री है तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द चिमनी जो है वो फाइंड आउट करनी है तो लेटर्स से मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ओ है तो हमें बेसिकली हाइट ऑफ द चिमनी जो है वो फाइंड आउट करनी है तो लेट मान लेते हैं सबसे पहले द हाइट ऑफ द चिमनी तो ये मान ली हमने h मीटर अब यहाँ पर जो h है ठीक है दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डी ओ प्लस ओ सी है ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन है अब अगर ए बी जो है ठीक है दिस इज़ 1.5 मीटर तो ये जो ओ सी है दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर एज जो ये है रेक्टेंगल है ठीक है तो हम यहाँ से लिखेंगे एज़ ए ओ सी बी इज़ अ रेक्टेंगल तो इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी यानी कि ए बी जो है वो ओ सी के इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर है ना सो so, ये भी 1.5 मीटर के बराबर हो गया अब H में हमें फाइंड आउट करना क्या रह गया सिर्फ ओ डी रह गया ठीक है R हमें ये पता है कि जो बी सी है ठीक है ना ये लेंथ है ठीक तो है तो ये रेक्टेंगल है तो ये ए की लेंथ भी कितनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी सो so, हम यहाँ से लिखेंगे कि ए ओ सी बी रेक्टेंगल तो बी सी अगर 28.5 है तो ए बी जो है वो 28.5 मीटर होगा तो ये जो है इसकी लेंथ 28.5 मीटर होगी अब हम लगा सकते हैं ऊपर ट्रायंगल में सो so, ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए डी ठीक है तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें बेसिकली ओ डी फाइंड आउट करना है यही फाइंड आउट करना है ठीक है तो ओ डी फाइंड आउट करना है और हमें क्या पता है बेस पता है और एंगल भी पता है तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन कौन बताता है टन बताता है सो so, टेन 45 फाइव डिग्री इज इक्वल टू अपर पेंडिकुलर यानी कि ओ डी डिवाइडेड बाई ए ओ सो ओडी हमें फाइंड आउट करना है टेन 45 फाइव डिग्री की वैल्यू वन होती है ए ओ कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सो ओ डी भी कितना हो गया ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर ठीक है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर आ गया अब हमारी हाइट फाइंड आउट करनी थी सो हाइट किसके बराबर थी ओ डी प्लस ओ सी के या डी ओ प्लस सी ओ के सो ओ डी की वैल्यू हमने निकाल ली है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव है ओ सी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव है सो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी विल बी थर्टी मीटर तो अगर ये क्वेश्चंस आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो कभी भी इन क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी सो so नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर पे फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टेन मीटर टॉल बिल्डिंग इज थर्टी डिग्री तो सबसे पहले हमने फिगर बनानी है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड तो लेटर्स से हमारा कोई पॉइंट है पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टेन मीटर टॉल बिल्डिंग तो यहाँ पर मान लेते कि टेन मीटर टॉल बिल्डिंग है ठीक है ये हो गया टेन मीटर टॉल बिल्डिंग और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप इज थर्टी डिग्री ठीक है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है थर्टी डिग्री राइट ये टेन मीटर टॉल बिल्डिंग है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रही और इसके ऊपर एक फ्लैग जो है वो होस्ट किया गया है ठीक है फ्लैग होस्ट किया गया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट पी तो ये पॉइंट पी से टू द टॉप ऑफ दिस फ्लैग यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री ओके फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी तो पहले ना इनको मार्क कर लेते हैं हम समझने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट ए बी है बिल्डिंग हो गई और ये सी पॉइंट पे हमारा जो फ्लैग है वो होस्टेड है तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ यानी कि ये बी सी फाइंड आउट करना है तो लेटस मान लेते हैं हम इसको एक्स मीटर मान लेते हैं और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी ये बिल्डिंग है और ये हमारा पॉइंट पी है यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है ए पी फाइंड आउट करना है सो so इस क्वेश्चन के लिए हमें सी बी की वैल्यू और ए पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है टू फाइंड क्लियर है यहाँ तक उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे अब हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है अब सबसे पहले हम ये ट्रायंगल जो है वो ए पी पी लेंगे सो इन ट्राइंगल ए पी बी सो इसमें एंगल कितना है हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री है हमें क्या फ़ाइंड आउट करना है हमें ए पी फाइंड आउट करना है पर मतलब बेस और परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी पता है दैट इज़ टेन सो ट्राइंगल ए पी बी में टेन थर्टी डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि टेन डिवाइडेड बाई बेस यानी कि वाई टेन थर्टी की वैल्यू हमें पता है कि वन बाई रूट थ्री होती है इज इक्वल टू टेन अपॉन वाई सो वाई को हम इधर ले जाएंगे और रूट थ्री को हम इधर ले जाएंगे यानि कि क्रॉस मल्टीप्लाई सो टेन अंडर रूट थ्री मीटर और इस क्वेश्चन के लिए भी रूट थ्री की वैल्यू गिवन है सो so, हम क्या करेंगे पुट करेंगे वन पॉइंट सेवन थ्री टू पॉइंट हटा लिया वन जीरो 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 सो so, ये आ जाएगा मेरे पास 17.32 मीटर सो वाई जो आ गया वो आपका आ गया 17.32 मीटर यानी कि आप लिख सकते हो कि क्या डिस्टेंस है बिल्डिंग का फ्रॉम पॉइंट पी दैट इज 17.32 मीटर राइट तो पहला आपने जो है वो निकाल लिया यहाँ पर पहली चीज अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है ठीक है तो हम लेंगे दूसरी बार ट्राइंगल ट्राएंगल ए पी सी राइट ए पी सी ट्रो लेंगे और इसमें एंगल क्या है 45 डिग्री है सो so, टेन 45 लेंगे यहाँ पर और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर पूरा ए सी ए सी पूरा और नीचे क्या आएगा बेस ए पी अब tan 45 की वैल्यू वन होती है और ए सी कितना हो जाएगा टोटल टेन प्लस एक्स हो जाएगा सो so, यहाँ पर लिखेंगे टेन प्लस एक्स ए पी की वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड आउट की है सेवनटीन पॉइंट थ्री टू यहाँ से सो so हम इसको इधर ले जाएंगे सेवनटीन पॉइंट थ्री टू इज एक टू टेन प्लस एक्स उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो आ जाएगा दैट इज सेवन पॉइंट थ्री टू मीटर सो एक्स जो आ गया यानी कि लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ क्या है सेवन पॉइंट थ्री टू मीटर सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर फाइव पे द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड तो यहाँ पर एक टावर है ठीक है लेट अस से मान लेते हैं कि ए बी जो है वो टावर है ठीक है दिस इज स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर जब सन का एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री है ठीक है तो लेट अस से मान लेते हैं है, यहाँ पर कोई पॉइंट है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ से टू द टॉप ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री और इसकी जो आ, हमारी शेडो है वो कितनी मीटर लोंगर है फोर्टी मीटर लोंगर है ठीक है तो फोर्टी मीटर लोंगर है तब वन द सन्स एटीट्यूज इज थर्टी डिग्री दैन वन इट इज़ सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री के एंगल पे जब आएगा तो फोर्टी मीटर लोंगर उसकी क्या है शेडो है तो लेटस सी पॉइंट ये डी है तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है सो लेट मान लेते हैं हम यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर इज़ एच ओके और ये एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री है और इसको मान लेते हैं। हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं और ये हो जाएगा टोटल फोटी प्लस एक्स हो जाएगा ओके okay? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी ए बी सी तो ए बी सी ट्राएंगल में स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले टैन पूरे ट्राएंगल में टैन थर्टी डिग्री इज़ इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर क्या है एच है और हमारा बेस क्या है फोर्टी प्लस एक्स है ठीक है ओके साथ में दूसरे ट्रायंगल भी ले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल भी ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी और इसमें टैन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका एच है और बेस क्या है आपका एक्स है राइट अब टैन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास रूट थ्री होती है इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स आप इसको इधर लेके जा सकते हैं तो एच की वैल्यू जो है वो आप ये वाली पुट कर सकते हो एक्स अंडर रूट थ्री जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो अब टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाय रूट थ्री होती है एच की वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए ताकि एक ही वेरिएबल में हो सके और सॉल्व हो सके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो फोर्टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ पर एक्स है तो एक्स को हम उधर ले जाते हैं माइनस करेंगे तो टू एक्स रह जाएगा सो so एक्स आ गया आपके पास यहाँ पर ट्वेंटी ठीक है बट हमें यहाँ पर एक्स नहीं फाइंड आउट करना था हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था हमें हाइट ऑफ़ द टावर फाइंड आउट करनी थी तो x की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दो तो हमारे पास हो गई हाइट ऑफ़ द टावर इज़ ट्वेंटी अंडर रूट थ्री मीटर ओके सो यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिवन नहीं थी सो हाइट ऑफ द टावर इज ट्वेंटी अंडर रूट थ्री मीटर सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर सिक्स पे द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन एट मीटर टॉल बिल्डिंग तो हमारे पास यहाँ पर एट मीटर टॉल बिल्डिंग है तो so हम यहाँ पर एक एट मीटर टॉल बिल्डिंग बना रहे हैं लेटर से ये ए बी बिल्डिंग है वो एट मीटर टॉल है ठीक है और यहाँ पर है एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग तो एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना लेते हैं हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं सी एंड डी ओके तो यहाँ पर है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन है ठीक है और कहाँ से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं हमेशा ऊपर से होते हैं ठीक है थीके? तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाएंगे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम किसका टॉल एट मीटर टॉल बिल्डिंग का तो टॉप एंड बॉटम क्या है टॉप है पॉइंट ए और बॉटम है पॉइंट बी है ना और उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं थर्टी एंड फोर्टी फाइव डिग्री रिस्पेक्टिवली यानी कि जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है थर्टी डिग्री है ठीक है ये इस तरह से आ जाएगा और जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है फोर्टी फाइव डिग्री है यानी कि ये पूरा एंगल कितना है फोर्टी फाइव डिग्री है ठीक है और हम यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ये फिगर बन गई ओके फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ठीक है तो बेसिकली हमें यहाँ पर सी डी की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है ठीक है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सी डी फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू बिल्डिंग्स यानी कि बी और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यानी कि आपको बी सी फाइंड आउट करना है ठीक है सो लेट मान लेते हैं कि जो हाइट है वो है हमारी h मीटर और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स जो है वो आपका x मीटर है तो आप इन दो लाइनों को पहले लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बी h और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स बी x मीटर तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए आपको x और h जो है वो दोनों ही फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रायंगल BDC की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है वो सीधी खड़ी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा अब यहाँ पर हमें क्या है बेस पता है एक्स मीटर है और हमें ये पपेंडिकुलर बेस और पपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताती है टैन बताती है सो so, टैन एंगल कहाँ से लेंगे अब ये जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ठीक है तो यहाँ पर आ, एंगल हो गया इस टू के लिए टैन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर यानी कि एच अपॉन बेस यानी कि एक्स टैन फोर्टी फाइव की, की वैल्यू वन होती है वन इज़ इक्वल टू एक्स अब एच अपॉन एक्स तो एक्स इज़ इक्वल्स टू एच आ गया इसको हम सेव करके रख लेते हैं बाद में हमारे काम आएगा ठीक है अब दूसरा ट्रायंगल कहाँ से लाएं अब कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर मिस्टेक ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे क्या आप ए बी डी ट्रायंगल ले सकते हो यहाँ पर एंगल 90 तो किसी का पूरा है नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली यहाँ से ए को ऐसे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से इस लाइन पे ठीक है और यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देंगे इसका नाम रख लेते हैं पी पॉइंट ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए पी सी और बी एक रेक्टेंगल है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज ए पी सी बी इज अ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं अब अगर बी सी एक्स है तो हमारा जो ए पी है वो भी क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू एक्स मीटर ओके ऐसे ही हमारा जो ए बी है वो पी सी के बराबर हो जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू पी सी वो भी कितना हो जाएगा एट मीटर हो जाएगा ठीक है ना तो ये हो गया हमारा एट मीटर अब ये पूरी जो सी डी थी वो कितनी थी एच मीटर हमने सपोज करी थी तो ये कितनी रह जाएगी डी पी कितनी रह जाएगी एच माइनस एट मीटर रह जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पर डी पी जो है वो रह गई हमारी एच माइनस एट मीटर ठीक है यहाँ तक हो गया क्लियर अब हम इस ट्राएंगल को लेंगे अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए डी पी ठीक है ट्राइंगल ए डी पी लेंगे और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है सो so, ए डी पी ट्राइंगल में हम यहाँ पर लेंगे सो so, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है आपका डी पी है यानी कि एच माइनस एट डिवाइडेड बाई आपका एक्स है ना टेन थर्टी की वैल्यू हमारे पास आपको पता है कि वन बाई रूट थ्री होती है एच की जगह पर आप एक्स लगा सकते हो क्योंकि फ़र्स्ट इक्वेशन की वजह से ठीक है एक्स माइनस एट अपॉन एक्स हो गया सो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सो ये हो गया रूट थ्री इंटू एक्स माइनस एट इसको आप सॉल्व करेंगे रूट थ्री एक्स माइनस एट अंडर रूट थ्री सो एट अंडर रूट थ्री मैं इधर लेके आ रही हूँ और हमारा जो एक्स है वो राइट साइड पर लेके जा रही हूँ सो एक्स मैंने ले लिया है कॉमन ठीक है सो so ये हो गया एट अंडर रूट ओके okay. अब क्या करेंगे एट अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन इज़ इक्वल टू एक्स अब क्या करना है सिर्फ एक रैशनलाइज करना है हमें ठीक है तो एट अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन से हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे ठीक है सो so ये मल्टीप्लाई करेंगे एट इन टू एट अंडर रोट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन नीचे हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायेर हो गया थ्री और वन का होल स्क्वायर हो गया वन इज इक्वल टू एक्स एट अंडर रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स सो टू से हम एट को कैंसिल कर देंगे सो so ये आ गया फोर अंडर रोट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्स ठीक है तो ये आ गया दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माइल बिल्डिंग्स और अगर आपकी बुक के हिसाब से इसका आंसर देखें तो उन्होंने क्या किया हुआ है रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है मैं वो भी करके आपको दिखा देती हूँ तो अगर हम रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फोर को बाहर ही रहने देते हैं तो थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा आपका थ्री और रूट थ्री इंटू वन कितना हो गया रूट थ्री ठीक है ना तो जो आपका बुक में आंसर है एनसीईआरटी बुक में वो ये है उन्होंने रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है पर अगर आप यहाँ पर भी लीव करके आते हैं तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट है ठीक है तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स अब हमें हाइट भी निकालनी थी जबकि एक्स और एच जो है वो बिल्कुल सेम है सो हमारा जो एच है वो भी इतना ही आ जाएगा फोर इन टू थ्री प्लस अंडर रूट थ्री मीटर सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग सो मूविंग टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडेज वीडियो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर ठीक है तो मान लेते हैं कि ये हमारा रिवर है ठीक है और ब्रिज है तो ब्रिज इसके ऊपर होगा कहीं पर तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी है ब्रिज का द एगल ऑफ़ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर लेट मान लेते हैं कि ए बी जो है वो ये रिवर है ठीक है ऑपोजिट साइड का मतलब हो गया एक साइड ए हो गई एक साइड बी हो गई ठीक है तो एक साइड ए जो है उसका एंगल ऑफ़ डिप्रेशन जो गिवन है वो थर्टी डिग्री गिवन है और दूसरी तरफ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो मुझे गिवन है फोर्टी फाइव डिग्री गिवन है ठीक है ओके राइट अब यहाँ पर इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ थ्री मीटर फ्रॉम द बैंक्स तो ब्रिज जो है वो इतनी हाइट पे है थ्री मीटर की हाइट पे है तो लेट अस से पॉइंट को डी मान लेते हैं आप कुछ भी मान सकते हैं हमें यहाँ पर विर्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करनी है यानी कि ये ए बी जो है दिस इज़ माई विर्थ ऑफ द रिवर इसको मुझे फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे ए बी की जो विर्थ है वो फाइंड आउट करके दिखानी है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल्स हैं एंगल 90 डिग्री हैं सो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल ए पी डी की बात करें ठीक है ए पी डी की बात करें तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री है ठीक है ओके तो हम क्या करेंगे टैन 30 लगाएंगे टैन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर क्या है पी डी है और हमारा बेस क्या है ए डी है ठीक है टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाई रोट थ्री अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पी डी जो है वो थ्री है और नीचे आ गया ए डी ठीक है सो ए डी इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री मीटर सो हमने ए डी जो है वो फाइंड आउट कर लिया ठीक है ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है पी या पी लिख सकते हो ठीक है अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं सो so, tan 45 फाइव डिग्री इज इक्वल टू पी डी पर अपॉन बेस यानी कि डी सो टैन फोर्टी की वैल्यू वन so, है पी की वैल्यू आपकी थ्री है डिवाइड बाई डी बी सो डी को मैं इधर ले जाती हूँ सो डी जो आ गया वो आपका आ गया थ्री मीटर आ गया ठीक है तो आपका जो ए आया है वो आया है थ्री अंडर रूट थ्री मीटर और ये आया है आपका थ्री मीटर आपको क्या फाइंड आउट करना था ए बी फाइंड आउट करना था ए किसका एडिशन है ए डी प्लस टी बी इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री प्लस थ्री आप थ्री चाहे तो कॉमन ले सकते हैं सो ए बी यानी कि विर्थ ऑफ द रिवर जो है वो कितनी है थ्री इन टू अंडर उ थ्री प्लस वन मीटर